अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देख लिया कि आज मैं अपनी गाड़ी में हूँ, फाइनली आज गाड़ी जो है निकाल ली है मैंने। हालत आप देख रहे हैं काफ़ी गंदी है। ये हालत है अंदर से भी और बाहर से भी, और खड़ी रही है तो दो तीन मसले हो रहे हैं इसमें। एक ये बैटरी की लाइट आ रही है, उसके बाद फ्यूल बिल्कुल एंड है। G10 तक बस पहुंच जाऊँ मैं किसी तरीके। और एक और चीज़ ये है कि खड़ी रही है, पता नहीं ब्रेक की फेसेस का मसला हो गया, पहले भी था, ब्रेक बिल्कुल फारिग हो गया, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो ये ख्याल करना है कि तो तेज़ नहीं करनी गाड़ी, और दूसरा फासला बहुत रखना है और सामने देखना है। उफ़ मास्क उतार दिया, लेकिन मैं आया वैन में था, काफ़ी रश था उसमें, तो हाथ जो है ना वो मुंह पे नहीं लगाना। सैनिटाइज़र तो बल्कि सैनिटाइज़र इसमें पड़ा होगा, गाड़ी में हर चीज़ रखते हैं पूरी। एक मिनट सिग्नल पे रुक जाएं। वो भाई रुक जा, ये मैंने फुल ब्रेक दबाई भी थी और गाड़ी फिर भी जा रही थी। यस पड़ा है। एक और चीज़ भी यार, बॉक्स खोला है तो याद आई है, ग्लासेस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? यो, तो अभी मैं जा रहा हूँ नुमान की तरफ, यहाँ से G10, और रास्ते में फ्यूल स्टेशन कोई भी नहीं है, जिनाह भी नहीं, उसे जा रहा हूँ। तो अगर फ्यूल डलवाना है तो सेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आहिस्ता आहिस्ता दुआएँ पढ़ते पढ़ते जो है ना G10 पहुँच जाएँ। वहाँ पर जाकर फिर गाड़ी वॉश करते हैं, देखते हैं। टाइम ज़्यादा ही हो गया है, कितने हो गए हैं, 4:40 हो गए हैं। 10 मिनट तक उसके पास पहुँचूँगा, तो उसके बाद फिर गाड़ी धोते हैं। ओह मेरा पार्टनर, कैसे हो? ठीक हो? भाई हमारे से बच के रहना, ब्रेकें नहीं हैं, मेरे से बच के रहना। हम भाई कोने में आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ठीक है, ना हमारे आगे कोई आए और ना हमें गाड़ी रोकनी पड़े, क्योंकि रुकनी तो है नहीं वैसे ही। भाई मैं तो चला रहा हूँ बिल्कुल एंड में, येलो लाइन में, ठीक है। थोड़ा सा और उधर नहीं कर सकता क्योंकि घास है और रोड ख़त्म है, तो गाड़ी उतर जाएगी। तो गाड़ी से काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ, तो इसके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, ये 1 अदद पिज़्ज़ा। आप लोगों के लिए स्टेयरिंग होगा, लेकिन भाई हमारे लिए तो पिज़्ज़ा है। अच्छा, अरसलान के पास मैं पहुंच गया हूँ, अरसलान को पिक करना है, अभी तक आया नहीं है, और पेट्रोल की सुई थोड़ी सी और नीचे चली गई है। पहले ई से ऊपर थी, अब ई के हाफ में। भाई अब गाड़ी मुझे बंद ना करनी पड़ेगी, आज टांगो आज उतर गाड़ी, ठीक है, गाड़ी थोड़ी है, सही है। पिज़्ज़ा आप संभाल लें, मुझे कुछ बोला तो नहीं, मैं फंस गया था इसके अंदर अभी। बस मैं फंसा नहीं, मैंने कहा रोज़ा जाने को, कहता है कि किस बंदे से था, तो मैंने कहा हाँ मेरे साथ है, कहता है गाड़ी इसको, मैंने कहा अंदर ले आ, मैंने कहा सर जी ड्रॉप, मैंने कहा ड्रॉप पे चलते हैं इसके पास, मैंने कहा ड्रॉप है अंदर, इतने जंप बनने में क्या चलता है, वापसी से बात करते हैं। मुझे कहता है गाड़ी आगे कर, मैंने कहा ठीक है करता हूँ, दरवाज़ा खोल के खड़ा, कहता है गाड़ी आगे करो, मैंने कहा सही है कर देता हूँ भाई। फिर कहता है उस बंदे ने इतनी मुश्किल से उधर से मोड़ी है, मैंने कहा भाई ठीक है कर देता हूँ, दरवाज़ा बंद करेगा तो गाड़ी आगे करूँगा ना। अच्छा मुझे ये नहीं बोला कि अंदर आओ, कहता है दरमियान में खड़ी की, मैंने कहा साइड पर। अच्छा यहाँ से पम्प कौन सा पड़ेगा, ये G10 मरकज़ वाला करीब है, जी 11 ये भी करीब है, ये मरकज़ वाला जी 11 जाते हैं, पेट्रोल है एंड पे। भाई एक बात ये कि आप कलमा पढ़ लो, ठीक है, क्यों जी ब्रेक ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं है, वो कोई चक्कर नहीं है, पढ़ना चाहिए वैसे। नहीं रोजे में है यार, बख्शे जाएंगे, शहीद होंगे भाई, शहीद। फ्यूल भी डलवा लिया है और अभी जो है ना नुमान के घर पहुंच गए, और ये भाई पाइप लगा रहे हैं। गाड़ी की हालत ये है, सारी मिट्टी से भरी हुई है, ये पिछली दफ़ा बारिशों में चलाता रहा हूँ और उसके बाद मैंने धोई नहीं थी, और अभी इसके अंदर सारा सामान भी पड़ा है गाड़ी की, जो चीज़ें थी बाकायदा यूज़ की, पॉलिश वगैरह,
और ये पुरानी चीज़ें, इसकी लाइट्स वगैरह, वो वायर्स पड़ी हैं, जंपर वायर्स हैं, डिग्गी भी इसकी भरी पड़ी है। अभी ये करना है, ये सारा सामान जो है ना, ये गाड़ी के बचे हुए ऑयल वगैरह हैं और कुछ गाड़ी का और सामान है जिसमें एम्प वगैरह और वूफर वगैरह, ये सारे निकाल के रखने हैं बाहर यहाँ पर घास में। अच्छा, गाड़ी साफ़ होगी अब। अभी जो है ये जो गाड़ी का सारा जायज़ निकाला था, इसको वापस रखना है भाई। अस्सलामुअलैकुम। सो गाइज़, आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम हम लोग ये हैं F10 में, मैकडोनल्ड्स में। ये आज सैटरडे नाइट है, ट्रैक नाइट है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सात भाई ने अपनी लारी जो है वो ये निकाल ली है, और इसको हमने शाम को जो है वो सही रगड़ा है, धोया छोया है, और मेरी काफ़ी ज़िद करने के बाद इन्होंने जो है ये अपनी गाड़ी निकाल के फिर इसको आज धोया। और फिर आज हम, अब मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि रमज़ान है, अफ्तारी भी करनी थी सब कुछ, तो उसकी वजह से हम लोगों ने जो है वो कुछ भी इसका नहीं किया, जो कि आपको पहले लास्ट वीडियो में इसने बताया था कि इसने, हम लोगों ने साथ ही शॉपिंग की थी दोनों गाड़ियों की, ये आप आवाज़ें देख रहे हैं। तो अब ये है कि स्टेयरिंग जो है वो ये साथ जो है वो ख़ुद एज़ यूजल इस गाड़ी में भी ख़ुद लगा रहा है। अच्छा जी, स्टेयरिंग फिट हो गया है मेरी गाड़ी में भी, और अभी जो है ना गाड़ी में मोड़ के सेट करके खड़ी करता हूँ। और बाहर के हालात कुछ ऐसे हैं, ये गाड़ी जो हमारे नुमान भाई के पास थी पहले, कुछ अरसा पहले सेल की है, और अब ये हमारे ग्रुप की नहीं है। यार ये गाड़ी बहुत मज़े की थी और बहुत पसंद थी मुझे भी, और इस मॉडल में ना ये गाड़ी फुल साफ कंडीशन में है, मतलब ये तैयार हुई भी नहीं है, इसका जेन्युइन कलर है ये। और दूसरा ये कि ये जैपनीज़ वर्जन थी, इसमें सनरूफ भी है। गाड़ी पीछे खड़ी करके चला गया और मैंने गाड़ी का मुंह साइड लगाना है, क्योंकि पहले स्टेयरिंग लगा रहे थे तो इस वजह से गाड़ी हमने ज़रा छुपाई हुई थी, अब सामने करनी है। अच्छा तो गाइज, बस अब आपको क्या बताएं, आवाज़ें शायद आपको आ रही हों, लेकिन ये स्टेयरिंग तो खैर लग गया है, मोमो लगा लिया हमने, और उसके बाद ये देखें आप, ये देख सकते हैं आप, ये इस्लामाबाद में सैटरडे नाइट पे जो है ये ट्रैक नाइट होती है, और ये मैकडोनल्ड्स में इनका वेन्यू था। अब जो है वो हम जा रहे हैं यहाँ से क्रूज़ पे, बाकी गाड़ियाँ आगे निकल गई, हम थोड़े स्लो जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं ब्लू एरिया। तो बहरहाल बाकी सब बातें तो हैं, लेकिन आज दिल यकीन करें कि बहुत रो रहा है, क्योंकि मेरे हाथों की अपनी मेरी गाड़ी एक्स, क्या बताएं आगे आपको अपनी फीलिंग्स, जब किसी और के पास थी और वो लेके आया हुआ था, खैर वो भी दोस्त ही है, दोस्त को दी थी, अलबत्ता अब उसे बहुत कहा है कि वापस कर दे, नहीं कर रहा वो, क्योंकि माशाल्लाह वो गाड़ी एक तो थी बहुत प्यारी और अच्छी गाड़ी थी। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं, अभी ब्लू एरिया जा रहे हैं हम, तो बाकी बातें हम वहाँ जाके करेंगे और आपको दिखाएंगे। Oh, my God.
आटा पंप पर, वहाँ से यहाँ तक जो है सारी ट्रैक वाली गाड़ियों के साथ आए हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, गाड़ियाँ देखेंगे और उसके बाद फिर घर निकल जाएंगे। ये चेक करने पे लगे हैं गाड़ी फिर से। ये छुट्टी होने लगी है और घरों को निकल रहे हैं वापस। तो ये थी हमारी छोटी सी ट्रैक नाइट और आज का सारा दिन जो है वो गाड़ी के साथ ही गुजरा सफाइयों में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद नहीं आई होगी। सो फिर कल मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी ना करना। नहीं, वो नहीं करना बिल्कुल भी, घंटा बजाना भी। हाँ, तो फिर कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।